नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा परीक्षा 2019 साक्षात्कार हेतु चयनित समस्त अभ्यर्थियों ने एक ज्ञापन पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन कमलनाथ को सौंपा है। उनका कहना है कि नवम्बर 2019 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2019 की अधिसूचना जारी की गई, जिसके अनुसार 12 जनवरी 2020 को प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई। आयोग द्वारा लगभग एक वर्ष का समय लेकर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 21 दिसंबर 2020 को जारी किया गया। 10,767 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु चुने गए। इसके बाद पूरे देश में कोविड लग गया। 21 से 26 मार्च 2021 के मध्य मुख्य परीक्षा आयोजित की गई, जब पूरा भारत में आर्थिक और मानसिक अवसाद से पीड़ित था। 31 दिसंबर 2021 में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 10,787 में से 1918 लोग साक्षात्कार हेतु चुने गए। 31 जनवरी 2022 तक सभी अभ्यर्थियों को आयोग में साक्षात्कार संबंधी दस्तावेज जमा करने को कहा गया, किंतु वर्तमान स्थिति तक ना ही साक्षात्कार का आयोजन हुआ है, ना ही आयोग द्वारा इसकी तिथि घोषित की गई है। ऐसे में सभी परीक्षार्थी काफ़ी परेशान हैं और अपने साक्षात्कार हेतु वे लगातार हर जगह न्याय की गुहार लगा रहे हैं।